अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का दिन सोलन में पर्व की तरह मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के साथ लगती पंचायत मशीबर में भी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जहां एक ओर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं राम वाटिका में औषधीय पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष बलदेव विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न किस्म के औषधीय पौधे रोपे और राम मंदिर के शिलान्यास की जमकर खुशी मनाई। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री नंदराम कश्यप ने कहा कि आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में नींव रखी जा रही है। आज के दिन मशीबर पंचायत में राम वाटिका का आरंभ भी किया गया, जिसमें करीबन 200 औषधीय पौधे रोपे गए हैं। इनको पानी मिलता रहे इसलिए यहां 1000 लीटर का पानी का टैंक भी बनाया जा रहा है। इन पौधों की देखभाल के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने हामी भरी है, जो महीने में एक दिन एक पौधों की रेख देख करेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रण लिया है कि वे आज का ऐतिहासिक दिन बहुत धूमधाम से हर वर्ष मनाएंगे। भारत और भारतीय संस्कृति एवं हिंदू समाज के लिए आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य पर सोलन अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम वाटिका का शुभारंभ करना और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करना तथा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं उनका अनुसरण करते हुए समाज में एक जो अच्छा कार्य अनुसूचित जाति मोर्चा सोलन मंडल ने किया है, इसके लिए मैं सोलन मंडल के अध्यक्ष श्री बलदेव जी, इनकी पूरी टीम, इन्होंने जो आज इस ज्वाला माता मंदिर में ऐतिहासिक कार्य किया है और जिस तरह से इन्होंने आज संकल्प लिया है कि हर वर्ष 5 तारीख को ये इसको ऐतिहासिक दिन बनाएंगे, और इस राम वाटिका में जो भी इन्होंने वृक्ष लगाए हैं, जैसे हरड़ा है, भेड़ा है, तुलसी है, और आपका बेलपत्र है, कचनार है, इस तरह के 200 पौधे जो इन्होंने लगाए, इसके साथ ही साथ इसका संरक्षण किस तरह से हो, इसके लिए कांटेदार तार लगाना, और इनके जीवन आधारण के लिए जहाँ पानी की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए 1000 लीटर के टैंक को बनाने की योजना, और उस योजना के तहत एक टैंक की फाउंडेशन को रखना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये वर्ग समाज के लिए और समरसता के लिए कितना संवेद है और अपना योगदान जो देना चाहता है, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। पौधों की देखरेख के लिए क्या कोई व्यक्ति? जी, यहाँ एक कमेटी है, आदरणीय जियालाल जी के जो सानिध्य में ये कमेटी काम करती है, इनके 20-25 सदस्य हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि पर डे एक आदमी इसकी देखरेख करेगा, तो एक दिन में एक आदमी आएगा तो 20वें दिन उसकी बारी आएगी। इसके अलावा जो आपके 10 दिन बसते हैं उसमें हमारे लोग भी इसमें जो है इनका योगदान करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि है, तो इस तरह से इसको बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जैसे कि प्रारंभिक प्रयासों से लग रहा है कि जो संरक्षण इसके लिए इन्होंने किया है वो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से अच्छा रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से सभी सनातनी और इस धर्म, इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को जो है साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने एक अच्छा संदेश देते हुए आज राम मंदिर का शिलान्यास होने में योगदान दिया, और भविष्य में वहाँ भव्य मंदिर बनेगा और ये विश्व के लिए एक धरोहर होगी, एक शक्तिपीठ होगी, और राम जी का पूर्ण राज्य आदरणीय मोदी जी के जो है सानिध्य में स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है।